देखो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम 9.4 करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पर, उसको कहते हैं वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल। ओके, ये नाम है हमारे पास। 2 सेकंड पहले मैं निकाल लूँ, मेरे पास नहीं है। ओके, क्या नाम है? वेरिएबल सेपरेबल। ओके, सही से क्यों नहीं लिखा गया आज? अभी करते हैं इसे सही। ओके, वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक आज हम करने वाले हैं, ठीक है? तो इस टॉपिक के अंदर आपको समझना क्या है? नाम से पता लग रहा है भाई, आपको साफ साफ नाम से पता लग रहा है वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है, यहाँ पर वेरिएबल क्या होंगे? यहाँ पर वेरिएबल होंगे एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यू, नहीं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को सेपरेट करना है एंड देन सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये हमें गिवन होगा। ओके, और इसका जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में जो फंक्शन है उसका आपको इंटीग्रेशन कराना है। ओके, इंटीग्रेशन कराने के बाद आपको फाइंड क्या करना है? आपको वाई फाइंड करना है, ये वाई आपको फाइंड करना है। इसको हम सिंपली समझते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया जरूर था आपको इंटीग्रेशन में, जैसे वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस का 4x प्लस का 6 दे रखा है। आप इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x प्लस का 4x का हो जाएगा 4 प्लस का 6 का हो जाएगा 0। अब इस बार जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है dy ओवर dx, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि 6x प्लस का 4 प्लस 0। बिल्कुल इजी सोचना, देखो इसमें कुछ कठिन है ही नहीं, ये दे रखा है आपको। अगर ये दे रखा है तो आपको क्या करना है? आपको रिवर्स जाना है, ऐसे जाना, मतलब ये आपका क्वेश्चन है, आपको वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? स्टेप बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले हम dx की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dy इज इक्वल टू 6x प्लस का 4 प्लस का 0 इनटू में dx। बहुत सिंपल हो गया। देखो अब वेरिएबल सेपरेट हुए या नहीं हुए? देखो y अलग हो गया, x अलग हो गया, देखो वेरिएबल्स हो गए सेपरेट, हो गया हमारा ये टॉपिक स्टार्ट। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, यानी कि एक्स और रेस्पेक्ट एक्स की, वाई की रेस्पेक्ट चल रही है। कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा तो आपको एक दिखना चाहिए यहाँ पर, एक डीवाई लिखा हुआ यहाँ पर। अभी आप इंटीग्रेशन करा दीजिए बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, मतलब रिवर्स जाएंगे तो देखो यहाँ से यहाँ है तो डिफरेंशिएशन कराया, अभी रिवर्स जा रहे हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। तो एक का इंटीग्रेशन वाई की रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई हो जाएगा। सोचो एक का इंटीग्रेशन अगर एक्स की रेस्पेक्ट में करते थे तो एक्स होता था, वाई की रेस्पेक्ट में वाई हो जाएगा। 6 कांस्टेंट है, कॉपी करेंगे, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन x² / 2 होगा प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा प्लस का 0 का कोई इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, यहां पर हम कंफ्यूज हो गए। ओके, तो इसकी जगह पर हमने बताया था इंटीग्रेशन में क्या लग जाता है, जहां कंफ्यूजन होती है, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या थी कांस्टेंट जो 0 बनी, हमें नहीं पता, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? सी। नाउ आप इसे कट कर देंगे तो 3 आएगा। फाइनली y इज इक्वल टू कितना आ गया? 3x² प्लस का 4x प्लस का c। ये आपको समझ में आ गया, आप देखो क्वेश्चन हमारा वापस आ गया, बस c की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इसमें पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 10 है, देख लेता हूं मैं एक बार। पहले 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं उसमें आपको सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सी की जगह सी लिखना है ना, याद रखना। लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ टर्म्स दी हैं, जैसे कि एक्स और वाई की वैल्यूज दी होंगी तब सी की वैल्यू भी निकल सकती है, ये भी करेंगे हम। ओके, अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है उसको बस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर ये 6 के साथ 6 के साथ अगर ए लिखा होता, ए इज अनदर कॉन्स्टेंट, अगर 6 के साथ ए लिखा होता तो डिफरेंशिएशन में प्लस का 0 ही आता। देखो ए का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तब 0 + 0 0 ही होता, लाइक दिस 0 + 0। अब जब हमें 0 का इंटीग्रेशन नहीं पता तो हमें इस दूसरे वाले 0 का इंटीग्रेशन भी नहीं पता, और 0 + 0 लिखेगा कौन? इसकी जगह पर तो आप एक ही 0 लिखोगे ना, बल्कि तो आप 0 लिखोगे ही नहीं, आप तो ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, आपको 0 लिखा हुआ क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा, आपको तो क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। आपको क्या पता कि एक 0 है या उसके साथ 2 0 है या उसके साथ 3 0, कितने कॉन्स्टेंट थे अलग अलग, कितने 0 हुए, मुझे क्या पता, हम तो इसे दिखाते ही नहीं शो करके। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको ये नहीं पता कि यहां पर मैं सी के साथ
कितनी बार और सी लिखूं, यानी कि कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, दो कांस्टेंट को भी कांस्टेंट बोलेंगे, तीन कांस्टेंट को भी कांस्टेंट बोलेंगे, चार कांस्टेंट को भी कांस्टेंट बोलेंगे, और कोई कांस्टेंट नहीं है तब भी हम उसे सी लिखेंगे, क्योंकि सी का मतलब जीरो भी हो सकता है। ये आपको समझना होगा कि यहाँ पर आपको सी के साथ थोड़ा सा खेलना होगा। सी या तो आप इसके साथ खेल लीजिए या फिर ये आपके साथ खेलने लग जाएगा और आंसर्स मैच नहीं होंगे। तो सी मतलब कांस्टेंट, एक क्वेश्चन के अंदर कितने भी कांस्टेंट होंगे सबकी जगह पर हम उसकी याद में क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ये याद रखना है। बस ये इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया, बाकी आप एक्सरसाइज आ जाइए। ये रही हमारी एक्सरसाइज ना, जो एग्जाम में भी आएगी। क्या दे रखा है इसमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको दे सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से लेकर 10 तक के क्वेश्चन के जनरल सॉल्यूशंस निकालने। याद रखना, इसने नहीं बोला कि वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल इज ए टाइप। उसने बोलेगा क्वेश्चन में क्या, जनरल सॉल्यूशन, ये भी नहीं बोलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको खुद ब खुद पता लग गया क्या दे रखा है। आपको दे रखा है dy upon dx, फाइंड क्या करना है भाई, dy upon dx थोड़ी फाइंड करना है, आपको y फाइंड करना है ना। जब dy upon dx दे रखा है तो y ही तो फाइंड करना होगा, ये बात ध्यान रखना बस। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते चले जाते हैं। इवन आप मेरे से पहले पहले क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो इस समय लाइव सेशन लाइव क्लास ले रहे हो आप, तो आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, सभी स्टूडेंट अपने स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि सारा क्वेश्चन पूरा सही आ जाएगा, बट जितना हो सकता है आप खुद से करिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। ओके, नाउ पहले तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x मेरे को एक तरफ लेके जाना है और y मुझे दूसरी तरफ लेके जाना है। ये x नीचे है, हम इसे ऊपर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कुछ बेसिक टर्म्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये सही तरीका है लिखने का, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू में एफ एक्स ये बिल्कुल गलत तरीका है लिखने का, इसे मत लिखिएगा। पहले फंक्शन होगा और उसके बाद उसकी रेस्पेक्ट होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपकी रेस्पेक्ट पहले हो गई और फंक्शन बाद में हो गया, ये गलत तरीका है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एफ एक्स, ये सही तरीका है लिखने का, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में dx ये बिल्कुल गलत तरीका है। डिवाइड में कभी भी रेस्पेक्ट नहीं हो सकती, अगर होगी तो इंटीग्रेशन का वो तरीका फॉलो नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन का यानी कि कोई रूल नहीं लगेगा उसमें। तो कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं उसको अपने जहन में रखना, जो प्रॉपर तरीका होता है वो fx इनटू में dx होता है। तो पीछे लेके जाएंगे, dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x इनटू में dx। ओके, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ ये आपको पता लग गया, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू डी वाई, वाई की रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन y होता है। फिर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, याद करो ये कहां पर देखा था आपने, याद करो, कौन मुझे बताएगा ये क्वेश्चन कहां पर देखा हुआ है, क्योंकि जो भी चीज मैं बताऊंगा वो उसको उसको पीछे से कनेक्ट जरूर करना है आपको, के पीछे आपने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा है। कोई स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ देखा है आपने, कोई नहीं है, चलो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर पेज नंबर, एनसीईआरटी आपके पास है, सब जने निकालो, पेज नंबर 307 निकालो, पेज नंबर 307 एक्सरसाइज है आपके पास 7.3, उस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर है 8। जरा बताइए क्या आपको दिखा या नहीं दिखा, ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन में 8 दिख गया, तो आपको यह समझ में आ गया कि अगर आप यहां डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो तो इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, इंटीग्रेशन रिवाइज होगा। इंटीग्रेशन रिवाइज होगा तो इंटीग्रेशन के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम्स में, और डिफरेंशियल इक्वेशन के तो होंगे ही क्वेश्चंस। तो कुछ चीजें आपको यहां समझनी है, मैं तो आपको डिक्टो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पर पूरी ये 9.4, 9.5, 9.6 तीनों की तीनों एक्सरसाइज जो आपके सामने होंगी, इन तीनों में इंटीग्रेशन ही है। जिसको इंटीग्रेशन आता है वो बहुत अच्छे से करेगा, जिसको नहीं आता है उसके एक और मौका मिल गया इंटीग्रेशन सीखने का।
ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं आपसे कि आप पार्टिसिपेट करते चले जाओ, अपने आप सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। ओके नाउ स्टार्ट कर रहा हूं। ये देखो करा कैसे जाएगा, इसे ऊपर फॉर्मूला लगेगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? देखो मैं लिख के दिखाता हूं आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए लेकिन नहीं है याद, तो धीरे धीरे करते जाओ एप्लीकेबल करने के बाद। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin² थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos² थीटा। सबको पता होने चाहिए ये रूल्स। अब इसको एप्लीकेबल करते हैं। यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर 2 थीटा लिखा है। 2 थीटा लिखा है तो इसका आधा थीटा बन गया था। यहाँ x लिखा है तो इसका आधा क्या बन जाएगा? 2 sin² x/2। मैं कह रहा हूँ आपको कॉपी पे मेरे से पहले पहले कर लो, अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर लो, मेरा वेट मत करो आप, ठीक है ना? ताकि आपको खुद से समझ में आए। मैं तो स्लो करा सकता हूँ, आप इसे थोड़ा सा क्विक करो, क्योंकि मुझे तो समझाना है ना कंप्लीट, हर बच्चे के लिए करा रहा हूं मैं तो। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। sin/cos होता है 10। ओके sin/cos 10 होता है, 10th क्लास में था, इजीली समझ में आना चाहिए। अब 10² x/2 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हमें 10² थीटा का एक 10th क्लास का फॉर्मूला पता है। मैं लिख देता हूं क्या होता है, sec² थीटा माइनस का 10² थीटा माइनस का 10² थीटा इज इक्वल टू 1। तो 10² थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसे इधर लेके आइए, इसे इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1 इज इक्वल टू 10² थीटा। 10² थीटा का 10th क्लास का ये फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास sec² x/2 -1 (dx). ओके अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप है y इज इक्वल टू, ये sec² दिख रहा है आपको, sec का इंटीग्रेशन होता है 10, तो sec² x/2 का है ना 10 x/2 होता है इसका इंटीग्रेशन, डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टर्म। एक्स्ट्रा टर्म में आपको क्या दिख रहा है? x/2 दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 1/2 आएगा, और डिवाइड में लिख देंगे। माइनस का 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये वाले 1 की बात हो रही है, प्लस फिर c हो जाएगा, c फिर मींस कांस्टेंट, ये जरूर लिखना पड़ेगा। नाउ 1/2 को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 10 x/2 - x + c इज द फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपको पीछे से आंसर, यानी कि जो इसका आंसर्स जो दे रखे हैं पीछे एनसीईआरटी में, उससे मैच करना। याद रखना आपको अपना फाइनल आंसर देना है एक स्टूडेंट के तहत। इसके बाद भी स्टेप्स होंगे, बट ये क्वेश्चन यही फाइनल हो रहा है। कैसे होंगे, क्या होंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम समझते जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? कहता है dy/dx इज इक्वल टू √4 - y का स्क्वायर। ओके अभी आपको क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, जहन में रखना ये नाम, याद रखना वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो ठीक है, हमें y अलग चाहिए, x अलग चाहिए, और वो भी सर्टेन मैथमेटिकल रूल। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आप कर दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप, है ना? रूल्स जो मैथ्स के हैं वही फॉलो करेंगे। तो यहां पर देखो dx डिवाइड में है, आप इसे मल्टीप्लाई में ले जाओ, यहां पर आ जाएगा dx। ये संख्या y की टर्म में है, फंक्शन y की टर्म में, इसे डिवाइड में ले आओ। तो देखो ये काम मैं ऐसे कर देता हूं, dy डिवाइड बाय √4 - y² इज इक्वल टू dx। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, क्या dy डिवाइड बाय दिस इनटू में ये जाएगा इज इक्वल टू dx। ओके अभी क्या करना है, अभी आपको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, जैसे मैंने बताया इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। तो अब आपको अगले स्टेप पे क्या करना है, देखो 4 को लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर - y का स्क्वायर इज इक्वल टू इनटू, एक नहीं दिख रहा लेकिन मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, एक लिखा हुआ है यहाँ पर ना, dx मतलब 1 dx। ओके यहां पर फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैं लिख देता हूं इसी के नीचे इसका फॉर्मूला। चलो थोड़ा सा इधर हो जाओ, हाँ हो गए। अब देखो इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अरे भाई चलता भी नहीं हमारा पैर, हाँ चल गया। लो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, dx डिवाइड बाय √a² - x² इन, बस हो गया इज इक्वल टू। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि फॉर्मूले जितने भी यूज हो रहे हैं आप उसे याद मत करिए, आप उसे लिखिए। जहां यूज हो रहा है आप लापरवाही मत दिखाइए, आप पीछे से देख के टीप के मत क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप उसे देख के यानी पीछे से देखेंगे जहां फॉर्मूला लिखे हुए हैं उसे लिखेंगे जरूर, क्वेश्चन के नीचे मुझे फॉर्मूला जरूर लिखा हुआ मिले ताकि आपकी प्रैक्टिस बने फॉर्मूले की, ऐसे याद हो पाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं है इतने सारे फॉर्मूले याद करने का। अब देखो अगले स्टेप पे चल रहे हैं हम, अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, यही लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर ए की जगह पर टू है और एक्स की जगह पर वाई है। नाउ ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो राइट वाला पार्ट है ये हम आंसर लिखने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स की जगह पर वाई आ गया, ए की जगह पर टू आ गया और इज इक्वल टू इस एक का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स हो गया प्लस का सी। हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है, हमारा जो उद्देश्य है इसे करने का वो उद्देश्य है वाई की वैल्यू निकालना। याद रखना ये अपने जहन में रखना, हमारा टास्क है y की वैल्यू निकालना, लेकिन हर क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालना संभव नहीं है, हर क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इसलिए आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जब डिफरेंशिएशन किया होगा कि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी था, सपोज के टेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, सपोज ये क्वेश्चन है 3x, अब इस पर dy अपॉन में dx आपसे पूछ लिया, तो यहाँ पर y की फॉर्म में नहीं है, ये y अंदर दे रखा है इसके, ओके है ना, ओके ऐसा हो सकता है, इन डिफरेंशियल में ऐसा भी फंक्शन होता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा फंक्शन में, तो ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा टास्क क्या है वाई की वैल्यू निकालना जहां तक पॉसिबल। तो यहाँ कैसे पॉसिबल होगा, आप साइन इनवर्स को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वाई अपॉन में टू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x प्लस सी। ये एक कॉन्सेप्ट है कि y की वैल्यू यहां तक आपने निकाली। एज ए स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट्स को एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर हम कहां तक निकालें, है ना, कहां तक हम इसे सॉल्व करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो मैंने कहा कि आपको y की वैल्यू जहां तक आपका एंड पॉइंट हो, देखो यहां तक तो मैं आपको बता दूंगा हर बार होगा, उसके बाद के स्टेप्स आप पीछे जो इसके आंसर है उनसे मैच करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो जहां तक आपने अपना फाइनल आंसर दे दिया वो फिनिश हो जाता है, अब आपको सर इस पे क्या पूरे नंबर मिलेंगे, अगर आपने एप्रोप्रिएट स्टेप्स करे हैं तो उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ओके तो इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आप मैच कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, सारे ही होंगे, ठीक है, और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा है आपको इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, मेरे से पहले पहले सॉल्व करने शुरू कर दो। देखो जो रिकॉर्डेड कंटेंट देखेगा बच्चा वो इसे पॉज करके और खुद से सॉल्व करे, लेकिन जो बच्चा लाइव कर रहा है वो क्या करे, वो मेरे को मेरे साथ साथ करे ना, मेरे से पहले पहले करे, मैं कहीं रुक गया कुछ बात बताने में तो आप उससे पहले अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसे कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, मैंने कहा मैथमेटिक्स का फंडामेंटल नहीं भूलना भैया, फंडामेंटल तो याद रखो। देखो ये क्या करना है, वाई को राइट में लेके जाना है, ठीक है, वाई को राइट में लेके गए, ये गया वाई राइट, 1 माइनस का y हो गया, ब्रैकेट लगा लो। अब पिछले क्वेश्चन को याद करो, x की जो वैल्यू है dx की जो वैल्यू है ये आपका इधर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो फाइनली हमारे पास आएगा dy अपॉन में 1 माइनस y इज इक्वल टू dx। देख लो बहुत कठिन नहीं है, हाँ लेकिन डिफरेंट है, आपको समझना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं है कि आप यूं ही कैजुअली करोगे हो जाएगा, सेपरेट करने में इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब हम इनिशिएट कर रहे हैं, शुरुआत में गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, तो आपसे भी गलती हो रही होगी, ये क्वेश्चन सही से नहीं निकल पा रहा होगा, तो कैसे निकालना है, मैंने पहुंचा दिया जहां तक मुझे पहुंचाना था, सेपरेट कर दिया, अब क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, ये लगा दिया जी मैंने इंटीग्रेशन का निशान, ओके अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यहां से आपकी नॉलेज कैरी करेगी आगे क्वेश्चन को, ठीक है ना, कि आपकी नॉलेज कितनी है यहाँ से। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन होगा लॉग, ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान जरूर लगाना है, 1 माइनस वाई, क्योंकि लॉग में यहां जो वैल्यू होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू का निशान। लेकिन एक बात जो बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं वो क्या होता है, डिवाइड में एक्स्ट्रा टर्म, देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके लिखना भूल जाते हैं,
है ना। तो इसको लिखते हैं वन का डिफरेंशिएशन जीरो, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, एक्स्ट्रा टर्म अभी रेस्पेक्ट वाई की चल रही है, तो क्या हो जाएगा वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में वन, तो आ जाएगा फाइनली डिवाइड में वन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है डीएक्स, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होता है प्लस का सी। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखिए इस माइनस को थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं ना, बात एक ही होती है, यहाँ लिख सकते हैं लॉग मोड ऑफ वन माइनस का वाई और इज इक्वल टू एक्स प्लस का सी। अब यहां तक आपने क्वेश्चन कर दिया, अब मैंने क्या कहा आपको क्या करना है, आपको इस आंसर को मैच कराना है पीछे से, यहां तक तो हो गया। तो मैच कराने के लिए आपको जितना भी कुछ आता है ना, साम दाम दंड भेद जितना भी आपको आता है, आप अपना खुद का 100% दीजिए एंड फिनिश। आप दिमाग मत लगाइए सर डिफरेंशियल इक्वेशन कठिन, कठिन नहीं है, आंसर इसमें सबके आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन कब, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहां से आगे आपका टास्क है वाई की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस में लॉग लिखा है m अपॉन n, तो ये प्लस में हो जाता है, इस तरीके से कि m और n आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है भाई। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ एप्लीकेबल करते हैं, ये हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है अपॉन में तो वन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में वन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मैंने यूज कर ली। चलो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर अगर n दे रखा है, सॉरी नॉट n, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉग m इज इक्वल टू अगर आपको n दे रखा है, तो इस लॉग को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो m इज इक्वल टू e की पावर n हो जाती है, जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं आती। मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी है कि लॉग राइट साइड में जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, किस फॉर्म में बनता है आपको लिख के दिखा दिया। अब इसको फॉलो करते हैं, इस लॉग को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। चलो जी ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिख सकते हैं इसे, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 1 इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर c। ये समझ नहीं आया क्या लिखा है, मैं बता देता हूं, आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर एड होती है, यानी कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी, है ना। अगर एक जैसे बेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अब ये ऑलरेडी इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो e की पावर x और e की पावर x, फिर उसके साथ प्लस का c, तो पावर ऐड में लिखी हुई है, यानी कि प्लस करके लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को मल्टीप्लाई में लिख देना है जी, e की पावर x लिख देना है, e की पावर c, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा हमारे क्वेश्चन पे, ओके okay? यहाँ पर ये वन माइनस वाई आ गया ये राइट साइड में जाने के बाद ना। अगले स्टेप पे चलते हैं, अगला स्टेप हमारे को क्या कहता है, देखो ये है आपका डिवाइड में आएगा वन अपॉन ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, आप देखेंगे ई की पावर एक्स आ गया आपका, फिर उसके बाद वन माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, वन अपॉन ई की पावर सी था यार, वाई कहां से बन गया, ये सी था ना, ओके e की पावर c, है ना। गौर से देखो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर e की पावर c है जो डिवाइड में आया है, ठीक है ना, कांस्टेंट को एक तरफ लेके चले गए, ये क्या हो जाएगा e की पावर c और इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी e की पावर x, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी माइनस e की पावर x इंटू में y, ओके अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हम इस संख्या को, इस संख्या को स्पेशली कहाँ लेके आ सकते हैं, इस संख्या को चाहेंगे हम तो इधर आ जाएगा हमारे पास, कहाँ आ जाएगा आपके पास, इधर लेफ्ट साइड में, ओके वैसे हम इधर भी लिख सकते हैं काम चल जाएगा, लेकिन हम इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x माइनस का, ये संख्या राइट साइड में जाएगी वन अपॉन e की पावर c, ओके यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है y इज इक्वल टू e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर x माइनस, ये संख्या को ऐसे कैसे लिख रहा हूं मैं, ए की पावर सी इंटू में डिवाइड बाय ए की पावर एक्स, ओके वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये बचा आपके पास वन। इधर मैं जो निशान दिख रहा है आपको माइनस का, इधर मैं प्लस का निशान लगा दूं तो बचेगा माइनस वन अपॉन ए की पावर सी, ओके मैंने क्या किया कॉन्स्टेंट वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ओके ए की पावर एक्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ए की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा, यहां तक की बात समझ में आती है। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस
इस पूरी संख्या को यानी कि माइनस वन अपॉन ई की पावर सी को हम कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बिहाफ से बताऊं तो उन्होंने ए लिख के दिखाया है। ओके, हम ए भी लिख सकते हैं इसे और कैपिटल सी भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा कि आपने सी क्यों नहीं लिखा या सी क्यों लिखा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ए लिखा है, बाकी सभी क्वेश्चन में आपका जो मॉडिफाई करने के बाद कॉन्स्टेंट कैपिटल सी ही लिखा जाता है, इस क्वेश्चन में ही ए लिखा है सर। ओके, तो अब देखो जरा, अब यहां से बात थोड़ी गंभीर हो गई। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जो मैं इतनी सारी बात स्टार्टिंग में बताया था वो इसलिए बता रहा था कि आपकी बात इतनी आसान नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ कठिन हो गया काम, क्वेश्चन दे रखा है। ओके, वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल ठीक है, सारे स्टूडेंट कर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है आपने इंटीग्रेशन सीख क्या है, इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, यहाँ तक पहुंचने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ तक पहुंचने के बाद मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि आपको अपने अपने जितना आप जितना अनुभव लेके आए हो, जितनी प्रैक्टिस करके आए हो, आप इसके बाद इसके स्टेप्स बाय स्टेप्स करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जितने स्टेप्स आप कर सको। देखो मैंने जिस प्रोसेस को बताया उस प्रोसेस में मेरे पास सारे के सारे प्रॉपर्टीज थी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे, मेरे को पता था ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आए। आपको नहीं पता कि इसका आंसर कहाँ देना है, तो आपको अपने स्टेप्स फाइनल दे देने और वो आपका फाइनल आंसर है। हालांकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आंसर पीछे से मैच जरूर करिएगा। ओके गाइज, तो अभी आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे हम बढ़ चुके हैं। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, एक क्वेश्चन में सब कुछ समझने की कोशिश मत करिएगा। ओके, मेहनत तो है इस चैप्टर में। देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा, फोर्थ क्वेश्चन मिल रहा है आपको, sec स्क्वायर x इंटू टेन वाई एंड डी एक्स प्लस sec स्क्वायर y इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहला काम dy अपॉन dx की फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है। तो देखो ये आपके सामने है पूरे की पूरी संख्या के साथ लगा हुआ dy, ये पूरी की पूरी संख्या चली जाएगी राइट में, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके सामने sec स्क्वायर y tan x इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर x इंटू में tan y इंटू में dx। ओके, नाउ d y ये रहा डिवाइड बाय dx जो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का sec स्क्वायर x tan y डिवाइड बाय sec स्क्वायर y tan x। ओके, ये हमारा क्वेश्चन अब शुरू हुआ है। देखो हर स्टेप पे नंबर मिलेंगे आपको, तो ये क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है। अब इसके बाद हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जाएंगे, वेरिएबल्स करेंगे सेपरेट। तो वेरिएबल्स कौन कौन है, ये रहा आपके सामने वाई, ये रहा आपके सामने वाई, ये रहा आपके सामने वाई, इन्हें सेपरेट करना है तीनों को, है ना। तो सेपरेट कैसे करेंगे, देखो नीचे वाली संख्या तो ऊपर पहुंच जाएगी मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाली संख्या जो है नीचे आ जाएगी डिवाइड में। ओके, तो कर देते हैं सेपरेट। यहाँ ऊपर तो पहुंच जाएगा sec स्क्वायर वाई और नीचे आ जाएगा tan y, और साथ में लिखा हुआ है dy इज इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस का sec स्क्वायर x डिवाइड बाय, यहाँ लिखा हुआ है tan x और इनटू में dx। ओके, तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से कहा है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये कर दिया मैंने इंटीग्रेशन, और दोनों में ही आपको एक एक करके दोनों जगह वैल्यूज पुट करनी है। याद रखना आप i1 i2 लेके भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स आपकी मर्जी है, लेकिन आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कैसे। आप पुट करेंगे u इज इक्वल टू tan y एंड v इज इक्वल टू tan x, तो du इज इक्वल टू tan y का डिफरेंशिएशन और tan y का y के रेस्पेक्ट में, ये होता है sec स्क्वायर y। ऐसे ही dv ओवर dx यानी कि dv आप करेंगे यानी कि tan x का डिफरेंशिएशन और वो भी x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। नाउ du इज इक्वल टू sec स्क्वायर y इनटू में dy, देन dv इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इनटू में dx। अब जरा देखिए क्या करना है, ये संख्या देखिए और ये संख्या देखिए, बिल्कुल सेम दिख रही होगी। आप रिप्लेस करने की जगह कर देंगे, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, इंटीग्रेशन का निशान u, du मतलब। ओके, आओ अब हमारे पास है क्या, tan y, tan y की वैल्यू कितनी है u, तो यहाँ पर क्या करेंगे tan y की जगह लिख देंगे u इज इक्वल टू
अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन रिपीट करने वाले हैं, sec स्क्वायर एक्स की जगह पर आ जाएगा क्या dv, और डिवाइड में ये tan x की जगह पर आ जाएगा v। ओके, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, ये है log u इज इक्वल टू माइनस का log v प्लस का c। आप चाहो तो इसे इधर लेके आ सकते हो, log u प्लस का log v इज इक्वल टू सी। आप इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे, किसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, log u प्लस log v। देखो मैं नहीं लिख रहा है इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ये होती है u इंटू वी इज इक्वल टू सी। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बार बार log की ये प्रॉपर्टीज याद रखें, एक्सपोनेंशियल की ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है आपकी क्लास में, आपको log की प्रॉपर्टीज याद रखनी है और एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस याद रखनी है। log को राइट साइड में लेके जाएंगे तो इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर सी हो जाएगा। अभी बताया मैंने रूल, यू की वैल्यू कितनी है, ये आपके सामने है टेन वाई, और वी की वैल्यू कितनी है, ये आपके सामने टेन एक्स, और ई की पावर सी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सी। देन दिस इज द फाइनल आंसर, इसके आगे इसे नहीं करना है, ये आपका फाइनल आंसर। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो हमने y की वैल्यू नहीं निकाली है। हाँ ऑफ कोर्स नहीं निकाली है, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, उस पर आपको एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे। हाँ लेकिन आपका आंसर पूरा सही है, यहाँ तक आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है आपको, जब तक इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक आप खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मैथमेटिक्स के इस सेक्शन में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। आपको जब ही समझ में आएगी ये चीजें जब आप खुद से पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि मेरे से पहले पहले आपको क्वेश्चंस करना होगा। ओके अभी इसमें क्या करना चाहिए जरा देखते हैं। इसमें ये डीएक्स वाला जो टर्म दे रखा है पूरा का पूरा राइट आ गया, e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स इनटू में dy इज इक्वल टू e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स इनटू में dx। आप उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल्स को यहाँ सेपरेट करना आप सीख गए हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। ये वाला dx है, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, नॉट dx x है, ये वाला x आपके सामने फंक्शन है, ये आपको इधर लेके आना है, यानी कि राइट साइड में लेके आना है। तो बचेगा क्या लेफ्ट साइड में, dy, और राइट साइड में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस का e की पावर माइनस x, ब्रैकेट क्लोज करिए इनटू dx लिखिए। ओके तो अभी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, लो जी कर दिया, यहाँ पर y का इंटीग्रेशन करेंगे dy का, तो y का y आ जाएगा, और यहाँ पर इस संख्या के लिए क्या करेंगे पुट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर माइनस x। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन 7.2 में ये क्वेश्चन है इस टाइप का। ओके तो आप देखोगे वहां पर जाके तो आपको वो क्वेश्चन एग्जैक्ट दिख जाएगा। दो क्वेश्चन थे, एक में डिवाइड करके ये बनाना पड़ा था, एक अलग से क्वेश्चन था, है ना, e की पावर 2x करके। फिलहाल डिफरेंशिएशन करेंगे, dt ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर का e की पावर होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स आई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन कराना नहीं बोलना। डी टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ब्रैकेट क्लोज इनटू में dx। अब देखोगे तो आपको पता लग गया कि ये ऊपर वाली पूरी संख्या की जगह पर बिल्कुल सेम मैच करेगा। देखो मैच नहीं करेगा तो कुछ गलती हो रही है, उसे ठीक कर लेना, है ना, ऐसे जुगाड़बाजी नहीं करनी आपको। डी टी ओवर टी आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करिए, वाई इज इक्वल टू लॉग टी प्लस का सी, एंड टी की वैल्यू रखनी है तो वाई इज इक्वल टू लॉग, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। मोड में लिखो या फिर आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पॉजिटिव नेगेटिव। आप हर बार लॉग के फाइनल क्वेश्चन जब भी दोगे, फाइनल आंसर दोगे ना किसी भी क्वेश्चन का फाइनल आंसर, तो उसमें मोड ही लगा देना, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, वो पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव व्हाटएवर आपको मोड लगाना है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, यहां पर दे रखा है dy ओवर dx, देखो सारे का सारा इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट करना है तो dx को हम इधर ले जाएंगे और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे ना लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा dy के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर, और इधर 1 प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में चला जाएगा dx। हम मैथ के उस नियम को नहीं भूल रहे हैं जो हमें बताता है कि अगर इक्वल टू का साइन है तो हम उसे साइन चेंज करके, यानी कि मल्टीप्लाई है तो उधर ले जाते हुए डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैथ्स का नियम है जो आपको नहीं भूलना है ना। अब भूल जाओगे, गलत कर दोगे तो फिर फायदा नहीं ना इस क्वेश्चन को सही करने का, हो गई नहीं है सही। इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर, क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखवाया है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू वन का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब बाई थ्री आएगा प्लस c, ये आपके पास आ चुका है आंसर। ठीक है ना, आप कहो सर इसका आगे y की वैल्यू निकालनी है, हाँ बिल्कुल निकाली जा सकती है भाई, क्यों नहीं निकाली जा सकती, आगे y की वैल्यू निकल सकती है। आप इस tan इनवर्स को इधर ले आएंगे राइट में तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा tan ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस का एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। तो आप जरा सोचिए, किसी बच्चे ने यहां तक आंसर दिया, एनसीईआरटी में ये आंसर मैच कर रहा है यहां तक, किसी बच्चे ने एक स्टेप और आगे किया, अगर एक स्टेप और आगे कर दिया तो क्या उसके नंबर कट जाएंगे क्या, क्या नंबर माइनस में मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यानी आगे करने से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए है ना, यहां तक तो आपको करना है ना, वाई की वैल्यू तो आपको निकालनी है, आपके दिमाग में आपके जहन में टारगेट होना चाहिए कि मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है। ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको दे रखा है y log y into dx माइनस का x dy इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहला काम हम इस x वाली टर्म को, इस x वाली टर्म को हम राइट साइड में ले जाते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली ये कोशिश कर रहा हूं कि लेफ्ट में मेरा y रहे, याद रखना अगर आपको आंसर्स एनसीईआरटी से मैच करने हैं तो इस अप्रोच को ध्यान रखना होगा। क्या कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरा वाई जो है वो लेफ्ट में रहे, लेफ्ट में। ओके, ये मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, आप कहीं पर भी रख सकते हो, आंसर तो मैच करेगा। किसी का आंसर अगर मैच नहीं कर रहा, कोई किसी और तरीके से कर रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मुझसे आके बता दे कि भाई सर ये आंसर हमारा इस तरीके से मैच नहीं किया। हाँ, दूसरे तरीके होते हैं, बुक्स में अलग अलग तरीके होंगे, कई टीचर्स अलग अलग तरीके से करा रहे होंगे, आपको तो फाइनली एक प्रोसेस फॉलो करना है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और उसका आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे को करना है। ठीक है ना, तरीका जो भी आप लगा दिया वो ठीक है, बस वो मैथ्स के अकॉर्डिंग ठीक होना चाहिए। ओके, अपने खुद के घर से नहीं लेके आएंगे तरीके। सेपरेट कैसे करेंगे, ये है डी वाई, ये है वाई लॉग वाई, डिवाइड में डी वाई के अपॉन में वाई लॉग वाई इज इक्वल टू, ये है डी एक्स और ये दे रखा है आपके सामने एक्स, ये एक्स को डिवाइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स को डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन बोथ साइड। अभी क्या करना चाहिए देखो, यहाँ पर सोचो सोचो सोचो, पुट करना है यहाँ पर, पुट टी इज इक्वल टू लॉग y, क्या log y, तो dt over dx dy कितना हो जाएगा, dt over dy is equal to 1 upon y, और आप dt की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 upon y into में dy। अब देखो जरा, ये रहा 1 upon y into dy, दिख रहा है 1 upon y into dy। ओके, 1 नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इस पूरे की जगह पर dt लिखना है आपको, तो आप इसको ऐसे करिए, लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऊपर लिखना पड़ेगा आपको डी टी है ना, डिवाइड में इस लॉग वाई की जगह पर क्या लिखना है, टी लिखना है। ओके, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में एक्स, अब इंटीग्रेशन कर, ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, लॉग टी माइनस का लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। देखो सबका अपना अपना तरीका है, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन करना आपको रटना नहीं है, आपको जो पहले दिमाग में हिट करे ना आप उस तरीके से कर लो। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फिर उसका जो मन करे आपको कर लो, आपको टास्क बता दिया, आपको वाई निकालना है, आप चाहो तो यहाँ पहले टी की वैल्यू रख दो, आप चाहो तो यहाँ पर, कई जने सी को ही मॉडिफाई कर देते हैं, सी को लिख देते हैं लॉग सी, और ये बिल्कुल वैलिड है जी, आपका यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर लॉग है, तो सी को मॉडिफाई करके लॉग सी लिखा जा सकता है, यस हो सकता है, तो ये भी एक तरीका है लिखने का। ठीक है ना, तो कोई भी स्टूडेंट पैनिक नहीं होगा, क्योंकि देखो आप स्टूडेंट हो, आप कई सारे टीचर्स से जो है
पढ़ते हो, कई सारे आपके स्कूल के टीचर्स होंगे, अभी आपकी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज होनी चाहिए कि कोई से भी मेथड से कैलकुलेशन करेंगे आंसर आना चाहिए। यहां पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लॉग, फिर उसके बाद ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू टी अपॉन में एक्स, देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है बराबर सी। अब मैं इस लॉग को राइट में ले जाऊंगा, तो लॉग को राइट में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, टी अपॉन में एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी। टी की वैल्यू हमारे पास अभी अभी थी, ये रही टी की वैल्यू, ये देखिए ठीक है ना, तो टी की वैल्यू क्या है, लॉग वाई है, लॉग वाई एक्स की मल्टीप्लाई यहां करा देंगे इज इक्वल टू एक्स ई की पावर सी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो यहां से आगे क्या करेंगे, देखो e की पावर c तो ये ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में x दे रखा है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसमें आप इस log को जो लेफ्ट में log है ये राइट में लेके जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, e की पावर x इंटू में e की पावर c आ जाएगी। ओके, आपके सामने आया e की पावर x इंटू में e की पावर c। ओके, अभी आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब देखो ये तो कॉन्स्टेंट लिखा है ना भाई, e की पावर c तो एक कॉन्स्टेंट है, सीधा सीधा e की एक वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन टू, दिस इज अ इरेशनल नंबर, मैंने आपको बताया होगा। अब कोई संख्या की पावर कोई दूसरा, कोई कांस्टेंट की पावर कोई दूसरा कांस्टेंट देखा तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप सी लिख सकते हो, सिर्फ सी, आप ए भी लिख सकते हो, देखो ये जरूरी नहीं है कि हर चीज उससे मैच करे उसके आंसर से, आप सी भी लिख सकते हो ए भी लिख सकते हो, और यहां लिखना पड़ेगा वेयर सी इज एनी कांस्टेंट लाइक That is, C is equal to e की पावर सी, दिस इज, ये कैपिटल सी होता है याद रखना, और ये आप स्मॉल सी दिखाते हो, फर्क होता है दोनों में, ऐसा नहीं ये दोनों कैपिटल होगा। ओके, तो ये आपके सामने ये फाइनल आंसर आ गया है, आपको समझ में आ गया आंसर कैसे निकल रहे हैं, धड़ाधड़ आंसर निकलते चले जा रहे हैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन 16 तक करने हैं, सिर्फ 16 तक, ठीक है, ज्यादा नहीं करने क्वेश्चन, 16 के बाद एक्सरसाइज फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 8 के पास आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स की पावर 5 इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स देन इज इक्वल टू माइनस का वाई की पावर 5, सेपरेट कर लेते हैं इसको, हम कहाँ ले जाएंगे इसको हम, अब देखो अब आप कहोगे सर जी एक्स एक्स यहाँ पर है वाई को, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, वाई को डिवाइड में कैसे ले आएंगे भाई, इंटीग्रेशन तो नीचे होता ही नहीं ना, इंटीग्रेशन जब होता है जब डी एक्स डी वाई ऊपर की तरफ, देखो मैंने बताया था ये आपको, कुछ बातें तो बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर मैं कहूँ कोई फंक्शन के बटे में नीचे dx है तो बिल्कुल गलत है जी, ऐसा तो तरीका ही नहीं है, रेसिप्रोकल भाई, आपको कहूँ मैं 2 और 1/2 क्या दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों बराबर होते तो मैं आपकी बात मान लूंगा, ये संख्या 0.5 होती है यानी कि हाफ, और ये संख्या 2 होती है यानी कि संख्याओं में यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर 1 और उसका रेसिप्रोकल कभी इक्वल नहीं होता, कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल, तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 इंटू dx, और कोई आपसे कहे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 बटे में dx, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में या डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिवाइड में रेस्पेक्ट नहीं होती है इंटीग्रेशन, और इसको बिल्कुल कोशिश करना है कि ऐसी कंडीशन आप अभी कर लो, बताने के बाद भी आपको प्रॉब्लम होती है तो नहीं कर सकते, आपको बताने के बाद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर ने कहा है कि dx ऊपर ही जाएगा, अब dx ऊपर जाएगा तो सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो देखो dy ओवर में y की पावर 5 होगा इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पहले से लिखा है देखिए x की पावर सॉरी नॉट x की पावर, यहाँ dx लिख देते हैं डिवाइड में x की पावर 5, देखो ये ऊपर वाला x की पावर 5 नीचे आ गया, ये ऊपर लिखा हुआ है y की पावर 5 ये यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे सेपरेट कर दिया, कैसे किया है देख सकते हो आप आराम से, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख देता हूँ, एक्स की पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई की पावर 5 इंटू में dx, अब आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर मैंने करा किया है, ठीक है ना, कभी कभी स्टूडेंट जो है ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस y की पावर 5 को इधर लेके आना है और इस x की पावर 5 को इधर लेके आना है, देखो लिया है इंटीग्रेशन का निशान लगाइए, अब इंटीग्रेशन करिए, अब आप कई सारे स्टूडेंट तो इसमें लॉग चेप देंगे, आपको लॉग नहीं लगाना भाई, आप कई सारे स्टूडेंट एक y की पावर 5 ऐसा कर देंगे, अरे नहीं ना ऐसा होता ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब भी नीचे आपको ये वाला नीचे वाली टर्म जो है लीनियर दे रखी होगी तभी होता है लॉग, लीनियर नहीं है तो नहीं है लॉग, लीनियर मतलब एक्स की पावर या वाई की पावर 1 अगर अलजेब्रिक है तो यहां पर आप इसे ऊपर लेके जाएंगे, इसे नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, y की पावर -5 इंटू dy इज इक्वल टू माइनस x की पावर -5
इनटू डीएक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की पावर माइनस का 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का एक्स की पावर माइनस 5 प्लस 1 अपॉन में माइनस 5 प्लस 1 एंड का सी। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, वाई की पावर माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 अपॉन में माइनस का 4 प्लस का सी। बढ़ जाते हैं आगे, हमारे पास स्टेप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन वाई, 4y लिख देता हूँ, चलो 4y की पावर 4। देखो क्या किया, ये y जो ऊपर था नीचे आ गया, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4x की पावर 4 प्लस का c। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात, क्या हुआ है क्वेश्चन में, कोई कठिनाई है तो मेरे से अभी बता सकते हो आप, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे वहां पर भी छोड़ सकते थे, चाहो तो आगे कर सकते हो। अब इसको हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं जहां पर है ये क्वेश्चन। ओके, अभी इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास वाई माइनस का 4 और ये माइनस बाहर लिखता हूँ ना, नीचे वाला माइनस हम सामने लिख सकते हैं, और ये वाला हो जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस का 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी। 4 एलसीएम में आ रहा है, या माइनस का 1/4 कॉमन ले सकते हो। वाई की पावर माइनस 4 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू सी। आप राइट में ले जाओ, कांस्टेंट को तो राइट में ले जाते हैं, वाई की पावर माइनस 4 प्लस का एक्स की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन में सी इंटू में 4 ना, सी इंटू में 4। ओके, तो ये राइट साइड में जो आपको दे रखी है पूरी संख्या, ये क्या हो गया, ये क्या है आपके सामने, ये कांस्टेंट दे रखा है पूरा का पूरा। आप फाइनल आंसर देख छोड़ देंगे, y की पावर -4 + x की पावर -4 = c। ये मैं आंसर वो निकाल रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में पीछे से मैच कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे, आपकी अपनी मर्जी चलेगी। यानी कि कोई स्टूडेंट कहे कि हमने तो यहाँ पर एलसीएम लेना ही नहीं है, कोई कहे कि हमें तो इसे डिवाइड में लेके आना है, कोई कहे कि हम तो इसे एक तरफ लेके आएंगे, कुछ भी कर लो जी, कुछ भी कर लो, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आपने यहाँ तक अगर सही किया है ना, यहाँ तक सही किया है, बस उसके बाद अपना फाइनल आंसर कहीं पर भी दे दो आप, कि हाँ भाई कॉन्स्टेंट नहीं बचना चाहिए, कॉन्स्टेंट को एक साइड ले जाओ एंड देन फाइनल आंसर दे दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, 8th दे रखा है, 8th हो गया, 9th दे रखा है। 9th क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा है डीवाई ओवर डीएक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वेरिएबल सेपरेबल। देखिए dy इज इक्वल टू साइन, कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये बाय पार्ट हो गया, ये बाय पार्ट इंटीग्रेशन हो गया, इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, इधर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई करके आई लेट, याद करो आई लेट क्या होता है, इनवर्स, और फिर एलजेब्रा, इनवर्स है साइन इनवर्स x, एलजेब्रा है 1, तो आई लेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का 1 का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये रहा डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना रूट के अंदर, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू dx, ये देखो आइलेट हो गया है ना, बाय पार्ट भी आपको आ गया, यहाँ पर सारे टाइप्स रिवाइज होने वाले हैं, साइन इनवर्स x माइनस का, देन उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो इसके लिए इस केस को बता रहा हूँ मैं, इसको सिर्फ इसको बता रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2x, देन dt अपॉन में माइनस का 2 इज इक्वल टू x इनटू dx, तो x इनटू dx की जगह पर आ गया dt अपॉन माइनस 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई हमारे सामने 1 अपॉन रूट के अंदर t, माइनस 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, बिल्कुल तसल्ली से बाहर ले जाओ इसे, ये आ गया आपका बाहर माइनस 1 अपॉन 2, बाहर पहले से ही माइनस बैठा हुआ है, ये देखो बैठा हुआ, तो इसे प्लस कर देंगे। अब नीचे वाला जो रूट है ना, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस 1/t हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा सॉरी, है ना, टी की पावर माइनस 1/2, नीचे रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2, टी की पावर 1/2 है ना, इसे ऊपर लेके जाएंगे जब तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन कराएंगे y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 2 इनटू t की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस का c। नाउ इसे आगे सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x प्लस का 1 अपॉन 2 इनटू में t की पावर 1/2 डिवाइड बाय
वन बाई टू प्लस का सी, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस का वन अपॉन टू इंटू में टू अपॉन वन इंटू में टी की पावर वन अपॉन टू को लिख सकते हैं रूट ऑफ टी, और टी की वैल्यू हमारे पास थी, इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू हमारे पास थी, आप बात करो क्या टी की वैल्यू थी, अभी अभी पुट करी है, क्या वैल्यू थी, वो रूट के अंदर था, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द फाइनल आंसर ऑफ नाइन्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास एंड करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, तो जल्दी से 10th क्वेश्चन मेरे साथ साथ करिए, बल्कि मेरे से तेज तेज आगे आगे करिए, अब तो बहुत सारी चीजें सिखा दी मैंने। e की पावर एक्स टेन वाई इंटू डी एक्स प्लस का ब्रैकेट ऑफ वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू में sec स्क्वायर वाई इंटू में डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहला हम क्या करना है, ये मैंने कहा था, मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि वाई को लेफ्ट में रखेंगे, आप चाहो तो नहीं भी रख सकते, काम तो हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा पूरा इधर, तो माइनस का e की पावर एक्स टेन वाई इंटू में डी एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेपरेट करना, देखो क्या क्या सेपरेट होगा, भाई वाई तो नहीं हटेगा यहाँ से, डी वाई तो यही रहेगा, इसके साथ सेक वाई भी यही रहेगा, और ये टेन वाई उधर से घूम के इधर आ जाएगा, ऐसे ही e, वन माइनस ई की पावर एक्स राइट साइड में चला जाएगा, तो हमारे पास कंप्लीट जो सिचुएशन बचेगी सेक स्क्वायर y into dy divide by 10y is equal to ऐसे ही माइनस का e की पावर x into dx divide by 1 माइनस e की पावर x। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देते हैं, ये लो जी मैंने कर दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड, है ना, माइनस बाहर है, बाहर ही रहेगा ये। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, पुट करेंगे t is equal to 10y, तो ये हो जाएगा आपके पास dt is equal to sec square y into में। ओके, यहाँ पर u पुट कर लो, 1 माइनस e की पावर x, देन du इज इक्वल टू 0 माइनस e की पावर x इनटू dx। ओके, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने, आपको इतना तो समझ में आता होगा कैसे कर दिया डायरेक्ट, e की पावर इनटू dx हो गया, ऊपर वाली संख्या यहाँ से भी हट गई, यहाँ से भी हट गई, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, लेफ्ट साइड वाले में तो आ जाएगा dt अपॉन t, और राइट साइड में आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आ जाएगा माइनस का du अपॉन में u। ओके, यू को थोड़ा मैनेज कर लेना, ये यू ही है लिखा हुआ है ना, जो आपको यू नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी इज इक्वल टू माइनस, और माइनस प्लस हो गया, तो हो जाएगा डी यू अपॉन में यू, एंड देन इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग यू प्लस का सी, आपको बताया मैंने, इसे लेफ्ट में लेके आ जाओ, लॉग टी माइनस का लॉग यू इज इक्वल टू सी, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग टी अपॉन में u इज इक्वल टू सी, लॉग को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा t अपॉन में u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल e की पावर c, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम देख लेते हैं एक बार, t की वैल्यू हमारे पास थी 10y और u की वैल्यू 1 माइनस का e की पावर x, तो ये हो जाएगा 10y अपॉन में 1 माइनस e की पावर x इज इक्वल टू c बोल सकते हैं हम, इसे मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10y इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई की पावर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। ओके, तो आज की क्लास फिनिश होती है, आपको एक एक क्वेश्चन मैंने कहा है कि आपको खुद से ट्राई करने हैं तभी आएंगे, मेरे को देखकर आप सीख जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम के टाइम ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो एक क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट जब ही सीख पाओगे जब खुद से ट्राई करोगे।